देखो मुकद्दस, मेरी बात मान लो, मोहित एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम ठीक कह रही हो अमल, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों मुकद्दस, अब क्या हो गया है? अब तो फारिस से रिश्ता भी खत्म हो गया तुम्हारा, अब क्यों तुम इस तरह कह रही हो? मुझे दादी की बातों से बहुत डर लगता है अमल। अगर मोहित के माँ बाप ने सच्चाई जानने के बाद इनकार कर दिया, मेरा भरम टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मुकद्दस, मुझे मोहित पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, कभी ऐसा होने नहीं देगा। तुम सब कुछ भूल कर सिर्फ मोहित की मोहब्बत पर भरोसा करो, वरना मेरी तरह अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दोगी तुम। हाँ मुकद्दस, अपने प्यार को खोकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। मैं भी असद को खोकर बहुत दुखी हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी और मोहित के हिस्से में जुदाई का ये दुख कभी ना आए, लोग हमेशा खुश रहो। तुम कितनी अच्छी हो रही, काश मैं तुम्हारे लिए और भाई के लिए कुछ कर सकती। मैं जानती हूँ मुकद्दस, लेकिन हम नसीब से तो नहीं लड़ सकते, और मैं ये भी जानती हूँ कि असद तुम्हारी खुशियों के खातिर दादी और चाचू को भी कन्विंस कर लेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है।